फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टिल लाइफ की ड्राइंग सीखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बेस ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो हमारी प्लेट है सेंटर पॉइंट, उसका हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमने एक कंपास लिया और एक सर्कल बना करके और प्लेट का अंदर का पार्ट ड्रॉ करा है। इसके बाद सेकेंड चीज ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ग्लास है। प्लेट के बाद हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट ग्लास है, जो बड़ा है आपका। प्लेट के आगे ग्लास रखा हुआ है, इसलिए हम उसको ग्लास को ड्रॉ करेंगे, ठीक। इसके बाद पहले हम लोग एक रफ ड्राइंग बनाते हैं हमेशा, उसके बाद हम लोग इसमें फाइनल ड्राइंग करते हैं। इसके बाद हमने बॉल रखा हुआ है, बाउल को हम ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इस तरह से एक हमने सेमी सर्कल बना करके इस तरह से, और हमने यहाँ पे स्पून भी एक ड्रॉ करा है। इसके लिए पहले एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन के ऊपर एक हमने ओवल शेप बनाया, उसके बाद उसकी स्टिक बना दी, ठीक है। ये इस तरह से हमने यहाँ पे स्पून को ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फाइनल इसका ड्राइंग करेंगे। इसमें हमने ग्लास का, क्योंकि हमें सर्कल होता है इसलिए हम इसको इस तरह से कर्व करेंगे, यहाँ पे सर्कल देंगे और नीचे से भी हम इसको बेस जो इसका है उसको भी हम कर्व करेंगे। अब हमारा इसके इस तरह से ये हमने कर्व कर लिया, ठीक है। और ये ग्लास को थोड़ा सा ऊपर से तो चौड़ा होता है, थोड़ा उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, नीचे नैरो हो जाता है। इसके बाद बाउल में भी सेम जैसे हमने ग्लास में कर्व दिया था, वैसे ही हम लोग बाउल में भी इसी तरह से कर्व देंगे और इसका नीचे का जो बॉटम है वो हम बनाएंगे, जो इसका स्टैंड की तरह से काम करेगा। और जितनी भी हमारी ओवरलैप वाली लाइंस हैं उनको सबको हम इरेज कर देंगे। तभी जब हम इरेज करेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके आगे रखा हुआ है, ओके। अब ये देखिए हमारा ये क्लियर हो गया कि सबसे पीछे प्लेट है, उसके बाद ग्लास है, उसके बाद बाउल है। ये मैंने यहाँ से ग्लास प्लेट को भी अभी इरेज कर दूँगी मैं, ठीक। ये देखिए मैंने प्लेट को भी यहाँ से इरेज कर दिया, इसका ये बन गया है, ठीक है। ये हमारी फाइनल ड्राइंग तैयार हो गई, ठीक। जो भी हमारी एक्स्ट्रा लाइंस हैं या जो भी हैं उसको हम साफ़ कर लेते हैं और इसको हल्का सा हमने पेंसिल से शेडिंग दे दिया कि हमें कहाँ कहाँ पे कलर करना है, थोड़ा सा लाइट करके। यहाँ से इससे हमारा इसका ग्लास का कर्व पता लगेगा कि हाँ ये राउंड शेप है, कोई चीज़ फ्लैट है, प्लेट तो फ्लैट है लेकिन ये राउंड होती है इस तरह से। अब हमने प्लेट पे पिंक कलर से शेडिंग दी है क्योंकि इधर से लाइट पड़ रही है, उधर डार्क है, तो जिधर डार्क होता है उधर डार्क कलर लगता है, तो इधर से हम इसमें डार्क शेड करेंगे। इसमें थोड़ा सा अगर पिंक कलर हमने यूज़ किया है, अगर मेरा डार्क हो रहा है तो हम उसमें रेड मिक्स कर सकते हैं। स्पून के लिए हमने येलो कलर यूज़ किया है, इसमें हमने इसको शेडिंग के लिए हमने इसमें थोड़ा सा ब्राउन और ऑरेंज लिया है, जिससे इसका थोड़ा सा गेटअप अच्छा आएगा, शेडिंग का लुक अच्छा आएगा, ठीक है। देखिए हमने थोड़ा सा येलो, और उसके बाद अब हम इसमें बाउल को करेंगे। बाउल में हमने ग्रीन कलर यूज़ किया है। अब यहाँ से तो हमारा डार्क होगा क्योंकि इधर से लाइट नहीं पड़ रही है, तो ये हमारा थोड़ा सा डार्क होगा इस तरह से हमने ग्रीन कलर से। और जो मेरी पेंसिल है पहले हमने उसी से मैं आउटलाइनिंग भी कर लूँगी, जिससे कि ये देखने में ये अच्छा लगेगा। ये हमारा ग्रीन कलर इस तरह से ये तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद आज बबल पेंटिंग सीखेंगे। ये बबल रैप पेपर है, इसमें हमने सबसे पहले सर्कल बना करके, छोटे बड़े सर्कल बना करके हमने इसको कट कर लेना है। ये मैंने इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको सीजर से इसको कट कर लेंगे। सीजर आप बच्चे जो भी बेटा यूज़ करिएगा, किसी बड़े के साथ यूज़ करिएगा, क्योंकि कट करते राउंड कट करते समय ऐसा ना हो कि आपके फिंगर में कहीं, कि मैंने दो कट कर लिए हैं और मैंने इस जगह पे कलर्स बना लिए हैं जो जो मुझे यूज़ करने हैं, बिल्कुल मिक्स नहीं किया है। ऑरेंज है तो येलो और रेड का वो पैचेस देंगे। इसके बाद हमने इसको इस तरह से लगा करके यहाँ पे ऑरेंज और ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा दिया, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और डार्क करने के लिए एक बार और इस पर कर सकते हैं, लेकिन संभाल के करिएगा, गंदा नहीं लगना चाहिए। ये हमारा इस तरह से ऑरेंज कलर का पैच बन गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे ब्लू कलर। मैंने ब्लू में भी मिक्स नहीं किया, वाइट अलग है, येलो अलग है, कहीं पे लाइट हो गया है। ये मैंने इस तरह से ब्लू और वाइट का मिक्स करते हुए
पैच लगाया। अब ये मैंने ग्रीन और येलो का पैच है जो मैं थोड़ा सा और ऊपर लगाऊंगी और थोड़ा इस तरह से। इसको मैंने बनाने के लिए ब्लैक बेस तो ब्लैक ही होगा या डार्क, बिल्कुल डार्क कलर, ठीक है। अब आप तीसरा कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन उसको पूरा मिक्स मत करिएगा। देखिए सारे कलर्स अलग अलग दिख रहे हैं इसमें, ठीक। अब ये हमने यहाँ पे पिंक और कलर को ले लिया है, वाइट और रेड को मिक्स करके मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इस तरह से। अब हम यहाँ पे इसको येलो वाला, येलो मतलब ऑरेंज और रेड को रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है तो बहुत संभाल करके इसमें, आप जैसे कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं सही आया, तो ये मैंने देखिए हल्का सा वाइट कलर लेकर के इसमें पैच लगा दिया है अलग से। लेकिन बहुत ही मतलब केयरफुली यूज़ करिएगा, ऐसा ना हो कि आपकी ड्राइंग ख़राब हो जाए। इसके बाद मैंने ज़ीरो नंबर ब्रश से वाइट कलर की लाइन एक ड्रॉ कर ली इसकी, मुझे ट्रंक बनाने के लिए इस तरह से ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। ये मैं सारे उसमें करूँगी जो मैंने ये फाइव पैचेस लगाए थे ट्री के, ये बबल्स के, उसमें मैं सब में ये इसी तरह से पहले मैं एक रफ ड्राइंग कर लूँगी कि मुझे कितने बड़े बनाने हैं, किस तरह से कहाँ तक ले जाना है। इससे हम अगर थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में एक लाइन से ही सिर्फ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसमें मैं कलर फिल करूँगी, जिससे कि बनाने में आपको कभी भी कोई चीज़ आपकी ख़राब नहीं होती है एकदम से फाइनल करने में, क्योंकि आप लोग अभी बहुत छोटे हो, है ना। जब आप बनाते बनाते बड़े हो जाओगे, सीख लोगे, तो आप मैम की तरह से इस तरह से नहीं बनाएंगे कि मैम जैसे सिखा रही हैं, आप बिल्कुल फाइनल ड्राइंग करेंगे सीधे, ठीक। अब ये हमारा इस तरह से किया है, अब मैं इसमें भी इसी तरह से बना दूंगी, ठीक है। ये देखिए मैंने ये सारे में इस तरह से, इसके बाद मैंने ये सब में देखिए वाइट कलर लगा करके इसमें, जैसे ट्रंक में स्पॉट्स नहीं होते हैं, निशान पड़े रहते हैं उनकी, तो मैंने ये ब्लैक कलर लेकर के हल्का हल्का सा लाइन बना दी है। और ये हमारा इस तरह से बबल पेंटिंग तैयार हो गई है। देखिए नीचे मैंने हल्का सा कलर से, किसी भी कलर से, ग्रीन ले लीजिए या ब्राउन ले लीजिए, मैंने शेडिंग कर दी है। ये हमारी पेंटिंग तैयार हो गई है।